अरे खुशी भी नहीं है बिकॉज ये कोई विलेंस नहीं है, ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स टाइप ही हैं। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। आज हम लेके आए हैं आरआरआर मूवी का रिएक्शन, इंट्रो सीन का रिएक्शन। ओ माय गॉड, आई एम, मेरे को नहीं बोलने की जरूरत कि आई एम सो एक्साइटेड। सीरियसली इसका इंट्रो तो डेफिनेटली मुझे ही करना था, आपको मैं बोल दे नहीं देती क्योंकि इतना मैंने वेट किया ये मूवी देखने के लिए। अब फाइनली मैं देखने वाली हूँ। एंड मैंने सुना है कि इस मूवी में यही बता रहे थे कि पूरी मूवी ही सीन निकाल, पूरी मूवी के ही सीन हम निकाल सकते, ऐसे मास सीन्स हैं इसमें। और इस मूवी का इंट्रो कैसा होगा, लाइक कितना कमाल का होगा, ये मेरे को इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है ना ऑलरेडी। तो अब देख लेते हैं फाइनली कि कैसी है ये मूवी। मुझे लगा नहीं था आज समर चुप हो गई, बिकॉज वो बहुत टाइम से मेरे को पूछ रही थी आरआरआर कब आ रही है, कब आ रही है, ओटीटी पे आ ही नहीं रही। आप मेरे को कह रहे हो अब आ रही है, अब आ रही है, पर फिर जब फाइनली पता लगा कि इस दिन हम मिल रहे हैं शूट के लिए और अब आ रही है, सो शी वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड और वो पहुंच गए देखने के लिए। सो देखते हैं कैसा। अभी हमने स्टार्ट सीन हम जैसे वो देखा हुआ है किस तरीके से, लाइक वो मल्ली आती है एंड उसको किडनैप करके लेके जाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पे आरआरआर में फर्स्ट इंट्रो सीन एंड वो रामचरण इंट्रो सीन, तो देखेंगे कैसा होगा। तेलिए अलग एक्साइटमेंट होगी मैंने देखा, और अभी हम क्योंकि तेलुगु वर्जन देख रहे हैं सो मेले पर एक अलग सा मजा है, बिकॉज यहाँ पे जो है उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जूनियर एनटीआर जी और साथ में रामचरण जी की आवाज़ सुनने को मिलेगी, देखते हैं फिर कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। एकदम मतलब टाइटल पेजेस रखे हुए हैं इन्होंने, फायर। मैं सब बताना चाहूं तेरे को भी, शट अप प्लीज, शट अप। दैट्स सो डेडली। वन ऑफ द बेस्ट सीन्स एवर। లేదు సార్, మేము వీళ్ళని రెచ్చగొట్టట్లేదు. కాల్కటాలో లాలా లజపత్ రాయ్ని అరెస్ట్ చేసినందుకు ఇక్కడ గొడవ చేస్తున్నారు. मेरे को वही लगता था उस टाइम भी, इतने इंडियंस थे तो उन्होंने फेल देना था। माय गॉड, माय गॉड, फायर आग में से ही पीछे से। वाओ, इनका लुक तो बहुत सही दिखता, स्मार्ट। इतनी लड़कियां क्रश कर रही हैं आरआरआर के बाद रामचंद्र के ऊपर, कितनी लड़कियां। यही सेम मैंने थिएटर में भी किया था, कैसे जम मार गए। वो भी देख रहे हैं कि भाई इतनी फिर, ओ माय गॉड, एनर्जी। एक तरफ से ऐसा भी लगता है एक इंडियन होके इंडियंस को मार रहे हैं। मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था, बट किस तरीके से, लाइक वो चढ़ गए मिशन के लिए, लाइक वो अंग्रेजों के लिए इतना है। बट यार इतनी देख क्राउड में लोग भी वही कह रहे हैं, आराम से ये वो, कितना क्रूअल लुक आ रहा है उनका एंड कितना रियल क्राउड है, मैं वो देख के था सब दबाया वो। माय गॉड, सर पे मारना यार, सो हार्ड, डिफिकल्ट टू से। कैसे एकदम अंदर से कैमरा घुसा रखा है, छोटी छोटी चीजें दिखा रहे हैं।
का मुझे मेरा बचपन क्यों लग रहा है? ओ भागा। वो भी डर गया यार इसी क्राउड में कैसे। ओ कितने लोगों को मार मार के आ रहे हो। भी बहुत दगा था, आंसू लगाया। वो वहां ये यहां पे क्यों खड़े हैं? वो एक बर्ड्स आई व्यू लेना चाहते थे ना, ऊपर से देखना चाहते थे। फिर पकड़ में आ गए। कितने लोग हैं? खुशी भी नहीं है बिकॉज ये कोई विलेंस नहीं है, ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स टाइप ही हैं। ये ऐसे नॉर्मल विलन नहीं है जिनको मार रहा तो हम बहुत खुश हो, पर वहीं देख रहे तो इनकी वीरता देखो कैसे चढ़ के। ओह देख गुड गॉड एक्चुअली कैमरा कैसे। हां ओ माय गॉड पकड़ लिया। वो हाथ पकड़ा हुआ था वो छूट नहीं रहा भाई। इतने लोगों में मैंने कर दिया बटन। एक्चुअल फायर है, फायर। वो देखो ना अभी भी हाथ नहीं छूट रहा। माय गॉड कोई पुलिस वाला करने को तैयार नहीं था और गुस्सा लिया भाई साहब। कितने पावरफुल है एक्चुअल फायर सच। ये भी देखो ना, वाओ मैन गूस बम्स हो गए। वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोस एवर और द बेस्ट यू कैन से। अच्छा जी ही स्केयर्स मी मोर because if he decides something then he'll do it. कहीं ना कहीं वो दुखी लग रहे हैं कि अपने देशवासियों को मारा। Annual special officers ceremony, only three have been deemed worthy out of 75 candidates for their exceptional contribution. They are Philip Anderson. ऑफिसर बनाने के लिए। हाँ तो अब तो। Charles Langford. इतना करने के बाद भी इनका नाम नहीं है। उनका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो। शिट। डिस्पर्स। इतना कुछ हो कर रहे हैं। अब ये इंट्रो सीन का बेस्ट पार्ट आ रहा है। मैं तेरे को हाइप कर रहा हूँ। जैसे वो पंच कर रहे हैं ना भाई साहब, बॉडी मसल्स एवरीथिंग वाओ। देख सकते जैसा हमें वो सॉन्ग देख के लगा था ना नाचो नाचो उसमें तो क्या एनर्जी थी वो कोई मैच ही नहीं कर सकता। वही लाइक वही मैं अभी देख रही थी कि गुस्सा जो फेस पे दिख रहा था एंड फाइट करते टाइम, पता है जब वो बाहर निकले भीड़ में एंड सब उनके ऊपर गिर गए थे ना, तो यूजुअली हर मूवी में कैसा होता है लेटे लेटे ऐसे करके वो उठते हैं एंड सब गिर जाते हैं, बट नहीं इसमें पूरे से
हाँ डिटेलिंग एंड प्रैक्टिकल चीज दिखाई गई थी मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि नहीं वो डब्बे पे है उसमें से कैसे कैसे वो फाइट कर रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ रहे हैं, किसी को डंडा मार रहे हैं, लाइक वो एक छोटी छोटी डिटेलिंग पे भी इतना ध्यान दिया गया। और मैं सोच रही कि इतनी क्राउड और इतनी फाइटिंग कैसे शूट भी कैसे किया होगा, बट सीरियसली मजा आ गया। जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी ना, सीरियसली मजा आ गया देख के। तेरा क्रश चेंज हो गया राउंड चार। हाँ, मेरे को तो मैं पहले से ही देख रही, जब ट्रेलर देखा था तब भी मैं बोल रही थी क्या लग रहा है रामचरण। एंड एक्चुअली यार वो लास्ट में जिस तरीके से बॉक्स कर रहे थे ना, वो चीज अलग ही थी। बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा बॉक्स किया होता आपको पता है कि दो चार मुक्के मारा आपको थोड़ी थकान हो जाती है, लेकिन वो किस तरह एंड वो एक्ट करते हैं, लाइक साथ में उनकी जो बॉडी दिख रही थी भाई कमाल की उन्होंने बना रखी थी। एंड ये था कि लाइक उनका वो फेस भी कैसे लटका, वो चीज एक्सप्रेशन देखने लायक थी कि लाइक जैसे ही वो एक्सपेक्ट करते कि उनको ऑफिसर का अब तो मिलना ही चाहिए बिकॉज उन्होंने इतना कुछ किया है। हाँ। लेकिन फिर भी उनको वो ऑफिसर का नहीं टैग मिला, सो उसके बाद उनका वो फेस लटक हाँ। गया और उसका तो ऐसा हुआ। लेकिन जो उन्होंने वो किया है वहाँ पे लोगों के सामने, लाइक लास्ट में उनको थोड़ा दुख भी हो रहा था कि अपने लोगों के साथ ही वो ऐसा कर रहे हैं। और सिमिलरली हमें भी लाइक ये नॉर्मली हाँ। किसी को विलन को मार रहे होते हैं अलग ही चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही था कि वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को ही मार रहे थे। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं सेट भी नहीं बैठी थी, लेकिन वो किस तरीके से कर रहे थे वो चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो बहुत ही धांसू सीन था यार, बहुत ही कमाल का इंट्रो सीन था। आप लोग कैसे लगा बैठे जरूर बताएगा, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।